हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हैप्पी हेल्दी सेफ एंड साउंड माय लव्स। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन एट योर प्लेस। सब कुछ अच्छे से है, सब कुछ, आप लोग स्वस्थ हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु सीक्रेटली वॉन्ट्स टू मैरी यू। कौन आपसे शादी करना चाहता है, कौन आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। ओके, तो गाइज, आपकी यहाँ पर सन साइंस हैं, जोडियक साइंस में से सन साइंस। ओके, पहलवान लीब्रा, वर्गो जेमिनाई, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइल नंबर टू, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, पाइसेस, लियो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो अपना आप पाइल चूज कर लें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन योर वायर। हेलो हेलो ग्रीन फेरी, पाइल नंबर वन, लेट्स सी हु इज़ दैट सीक्रेट पर्सन जो आपसे शादी करना चाहता है, आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। सो ऑल माय ग्रीन फेरीज एंड एंजल्स, लेट्स सी कौन है ये। पाइल नंबर वन, ओके, कौन है ये व्यक्ति। स्पिरिट प्लीज गाइड मी फॉर दिस ग्रुप। कौन है जो आपको सीक्रेटली आपसे शादी करना चाहता है। बड़े कोई डिसअपॉइंटेड है भाई। पाइल वन, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, चैरियट। ऑल राइट माई लवली, पाइल नंबर वन, आपके पास जो टैरो से एनर्जी निकल के आई है दैट इज ओके। टैरो से एनर्जी निकल के आई है मून, टू ऑफ एयर, पेज ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ अर्थ, फोर ऑफ एयर, चैरियट, एम्प्रेस, पेज ऑफ फायर, टेन ऑफ फायर। सो पाइल नंबर वन, आपके पर्सन की जो जोडियक साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल है कि ये फायर साइन हो, लियो, एक एरीज, सैजिटेरियस, या फिर ये एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। लेकिन यहाँ पर कैंसर की बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। मेजर अर्कैनास दो हैं, चैरियट और मून। आई मीन लिटरली दिस इज़ अ कैंसर वाटर साइंस में से, ठीक है। तो ये पर्सन, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ये पक्की बात है कि यही जोडियक साइन होंगे, क्योंकि यहाँ पर बस स्पिरिट इज़ गाइडिंग मी कि मैं आपको थोड़ा गाइड करूँ फ्रॉम एस्ट्रोडाइस कि इनका जोडियक साइन कौन है। लेट मी क्लैरिफाई कौन है ये। ओके, स्कॉर्पियो निकला है गाइस, या फेब्रुअरी बॉर्न है ये कोई। जेमिनाई फोर नंबर, बस तीन दफ़ा ही मैं करूँगी। कौन है ये, कैंसर, अगेन कैंसर, सो मच कैंसर एनर्जी, वन नंबर, जनवरी बॉर्न, इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। तो ये पर्सन जो आपकी आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं ना, इनकी एनर्जी स्टक है। अब आई विल क्लैरिफाई फ्रॉम द टैरो अगेन कि एनर्जी यहाँ पर क्यों स्टक आ रही है, कि ये पर्सन ही इज़ अनएबल टू मेक डिसीजन।
एक तो उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा है। स्टेनोफायर एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल कंडीशन, एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर उनको, मेंटल इश्यूज़ भी हो रहे हैं, टेंशन में लिए बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही टू अफेयर में क्या करूँ फॉर अ फायर, क्योंकि क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन कि आपको किस तरह से अप्रोच किया जाए। क्या मैं देख सकती हूँ स्पिरिट, क्या बता सकते हैं कि ये मेरे जो वियर हैं इनको जानते हैं कि ये कुछ सीक्रेट एडमायरर है? सेवन ऑफ वाटर, क्या आप इनको जान, यस आप जानते हैं इनको, पाइल नंबर वन। आप जानते हैं आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, आपने या किसी सोशल मीडिया पे इन्होंने आपको देख लिया या आपने इनको देख लिया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत पैशनेट इंसान है आपको लेके, किंग ऑफ फायर, मतलब उनका बस नहीं चल रहा अभी से उठा के आपको अपने घर ले आए अपनी दुल्हन बना के, बस नहीं चल रहा। ही जस्ट कॉन्ट कंट्रोल हिज इमोशंस, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, एम्प्रेस एनर्जी में एम्प्रेस इज़ ऑलवेज प्रेग्नेंट, तो मतलब उनके अंदर से एक ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी आ रही हैं कि ही लिटरली वॉन्ट्स कि मैं जो मियाँ बीवी का संबंध होता है वो इस्टेब्लिश करूँ। ही रियली ही इज़ इन टू यू, ही इज़ इन टू लाइक दिस थिंग कि आप जो हो उनकी, उन्हीं की पत्नी हो और आपके अलावा, उनके अलावा कोई आपको छू नहीं सकता। बहुत एक्सट्रीम पजेसिव एनर्जी है इस पर्सन के। अभी हम चार्म्स, नेम इनिशियल्स और भी मैं इनके इंडिकेशंस बताऊंगी, लेकिन पहले मैं इनकी एनर्जी बता रही हूँ। एक तो आप इतनी प्यारे हो उनको लगते हैं, ठीक है, यही मेन रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न। यू आर एक्सट्रीमली प्रिटी ब्यूटिफुल, ओके। एक आपका ग्रूम करने का तरीका जो, ये सब चीज़ों ने उसको पागल किया हुआ है। और ये इंसान इतना सेल्फ डाउट्स में है, मून एनर्जी, इतना इसको डर लग रहा है, इसको पक्का पता है कि आपने ना कर देनी है। इसको 110,000%, कितने परसेंट मैं बताऊँ, इसको यही है कि आप यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलनी आयश, मुझे आपने जो है उसने मतलब आपने उनको कर देना है रिजेक्ट। पता नहीं क्या इन्होंने कारनामा किया है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया है, लेकिन लेट मी क्लैरिफाई कि क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा या कब तक करेगा? यस गाइस, ही विल अप्रोच यू, ठीक है, टेन ऑफ अर्थ, क्योंकि ये इंसान आपको आपके बगैर नहीं देख रहा अपनी लाइफ। इनको लग रहा है कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म है, अगर मुझे ये नहीं मिली तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। उसको लग रहा है कि यही है जो मेरी ज़िंदगी को, मेरी फैमिली लाइफ को हैप्पी बना सकती है, ओके। और ये आपको कहीं ना कहीं फिनेंशियल भी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी। आई थिंक आपके फिनेंशियल हालात इतने ठीक नहीं है, उनको शायद पता है। सेवन ऑफ फायर गाइस, ही इज़ रेडी टू टेक स्टैंड फॉर यू, ठीक है, उन्होंने सोच लिया हुआ है। तो मैं अब अपने बिलीव्स को अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए खड़ा होना चाहता हूँ और मैंने यहीं पर शादी करनी है। लेट मी चेक आउट कि मतलब ये कब तक आपको, लेकिन ये ओरेकल से देखना पड़ेगा कि कब तक आप अप्रोच करेंगे। मैं आपके उनकी और भी इंडिकेशंस बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कौन है। न्यू मून इन पाइसेस गाइस, एक तो बताऊँ मैं, पाइसेस हाउस में न्यू मून, आई मीन लिटरली लिटरली ड्रीमिंग अबाउट यू, ड्रीमिंग, इतना डे ड्रीम कर रहे हैं लाइक आप उनके साथ हो, आप लोगों की सुहाग रात है, इस किस्म के ड्रीम्स भी चल रहे हैं उनके दिमाग में, ख्याल चल रहे हैं लाइक ही इज़ डूइंग लाइक एवरी थिंग विद यू, मतलब एज अ हजबेंड, इस किस्म के थाट चल रहे हैं लाइक ही जस्ट कांट स्टैंड योर ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी को ये ना, खैर जो ज़रा कब ये करेंगे आपको। एक तो यहाँ पर आया है पाइसिस सीज़न, आई मीन कमिंग मार्च या फेब्रुअरी कैन बी इम्पोर्टेंट, और योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। इनको ना आई थिंक किसी एक के लिए मैसेज है, किसी थर्ड पार्टी में है, लेकिन वो पर्सन कार्मिक निकला है, ठीक है।
उसके साथ ये कमिटेड तो है ऑफ कोर्स, लेकिन ही वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. किसी एक के लिए मैसेज है, लेट मी सी यू इन स्पिरिट. आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं इस टाइम. आई वाज आल्सो सीइंग ब्लू कलर. तो वो इंसान ऐसे सोच रहा कि मुझे अपनी लाइफ में अब ध्यान देना है, अपनी खुशी देखनी है. मैंने अब ये नहीं देखना है कि मैं कमिटेड हूँ तो मैं कहीं और पर, मेरी शादी हुई भी है ये वो. ठीक है, तो फुल मून इन टॉरस, अगेन टॉरस सीज़न है. ये भी होगा अप्रैल और मई का शुरू. ये स्प्रिंग सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ ये कुछ ना कुछ आपके लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कुछ होगा. ये भी हो सकता है आपके इनके साथ शादी ही हो जाए. लेकिन ये बताऊँ, पहल नंबर वन, ये पर्सन ना इज़ टू मच इन टू यू. ठीक है, तो और इनकी इंडिकेशन बताती हूँ मैं, क्या है, आप क्या करते हैं. ये फाइनेंशियली क्वीन ऑफ अर्थ, प्रोफेशन में क्या करते हैं, यूनिटी. प्रोफेशन वाइज ये क्या करते हैं, ओके गाइज, ये किसी कॉल सेंटर पे काम करते हैं या किसी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं. कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है इनका, बातचीत. ठीक है, तो ये कोई एजेंट हो सकते हैं, आई मीन या इंटरनेट पे कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र इस टाइप का कोई काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, किसी चीज़ की सेल, सर्विसेज सेल करते हैं, नॉट रियली प्रोडक्ट्स, सर्विसेज सेल करते हैं. एक इसके अलावा मुझे एक और यहाँ पे मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर का स्पेशली इनको इंटरेस्ट है, हार्ट डिपार्टमेंट में जाने का, हार्ट सर्जन बनना चाहते हैं, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट इस तरह. मोर ओवर आई कैन ऑल्सो सिंग विद द क्वीन ऑफ अर्थ के इनका कोई अर्थ से रिलेटेड काम हो सकता है, ज़मीन, आई मीन एनी थिंग लाइक कुछ इनके गार्डन्स हो सकते हैं, फार्मिंग हो सकती है, ज़मीनें वगैरह हो सकती है जहाँ पे इनके होते हैं काम वाम, विलेज साइड पर ये कुछ उगाते हैं उसमें, आई थिंक ये लोग. एनीवेज आई एम सीइंग डूइंग हिम समथिंग इन नेचर. ओके, तो यूनिटी कार्ड है ऑफ कोर्स, और व्हील का कार्ड भी. किस्मत में आपके 5-10 महीने से ज़्यादा नहीं लगना आपके दोनों के, यूनिटी का पाइल नंबर वन. एंड लेट मी चेक आउट मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन. कैसे पहचानेंगे आप पहली दफ़ा, प्लीज़ स्पिरिट शो मी, पहली दफ़ा आपने जब इनको देखा था इनके कलर, किस कलर के कपड़े थे, ताकि आपको इंडिकेशन हो जाए. पिंक कलर की शर्ट थी इनकी, पिंक पर्पलिश सी कुछ थी शायद, इन्होंने लाइट ब्लू जीन्स पहनी थी, या ब्राउन कलर है यहाँ पर. प्लीज़ स्पिरिट गाइड मी, इन्होंने पहली बार इनको देखा था, इन्होंने किस कलर के कपड़े पहने थे. ओके, ब्लैक, ब्लैक वाइट, इन्होंने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, मस्टर्ड येलो. एक आखिरी बताऊंगी मैं, अगेन यहाँ पे ब्राउन ऑरेंज किस्म का आया है कलर. जैकेट और जीन्स शायद पहना हुआ था इन्होंने, या हुडी इस टाइप की, या कोट था, कोई टक्सीडो था, कुछ इस तरह की चीज़ थी. अगेन मुझे यहाँ पे विलेज नज़र आ रहा है, इनके विलेज से कोई संबंध है, आई थिंक ये विलेज वगैरह जाते जाते रहते हैं. सो लेट मी चेक आउट योर चार्म्स, कि ये कौन है, वो सीक्रेटली वॉन्ट्स टू मैरी यू, कौन शादी के बारे में सोच रहा है. चार्म्स, प्लीज स्पिरिट शो मी इज रियल फेस. ओके, ऑलराइट, ओ माय गॉड, नो वे, पाइल नंबर वन, मैरिज. एंड वे मैडिंग रिंग भी निकला है, मैरिज. एक ही इंसान आपसे शादी करके रहेगा, माइंड दिस थिंग, ये शादी करके रहेगा आपसे. ठीक है ना, बिजी, आई थिंक ये काफ़ी बिजी है पर्सन अपनी लाइफ में.
एंड मिस यू, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं। और मैसेज क्या है? एरीज, एरीज हो सकते हैं ये, रेड स्टार। आई थिंक एक तो ये है आपको इंडिकेशन, यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन वेरी वेल। इनका रेड कलर का फेवरेट हो सकते हैं, रेड कलर। यहाँ पर ये रोमांस, सॉरी दोस्ती को इंडिकेट कर रहा है, येलो रोज़। आप दोनों के बीच दोस्ती बहुत थी, या ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं। वो सीक्रेटली लाइक डूइंग समथिंग कि हम दोनों का हो जाए। ओके, दिस इज़ अ पेयर ऑफ फिश, ठीक है। तो दे कैन बी पाइसिस, पाइसिस एनर्जी, पेयर ऑफ फिश एंड मून गेज। आई थिंक ये रात को इनको पसंद है, चांद को देखना, गेजिंग करना। यहाँ पर क्राउन है, क्राउन प्रिंसेस, तो लिटरली ही वॉन्ट्स टू सी यू एज हिज प्रिंसेस। अगेन यहाँ पर फिश एनर्जी आई है, अगेन टू मच इंटू इमोशंस, टू मच इंटू, आई थिंक गाइज ये भाग गया था पर्सन, क्योंकि एस्केपिज्म होता है, फिश एस्केपिस्ट था, ये भाग गया था आपको छोड़ के। शायद ये भी वजह है, अब आप इसको दोबारा चांस नहीं देना चाहते। बट हेलो है यहाँ पे, हेलो अ न्यू कम्युनिकेशन विल कम फ्रॉम देम। मैसेज आएगा आपको, टू नंबर विद इन 2 मंथ्स आ सकता है आपका मैसेज, 2 महीने तक, ठीक है। फेब्रवरी भी इम्पोर्टेंट है यहाँ। वाइट डव, पीस चाहता है गाइज ये पर्सन आपसे, आप दोनों की लड़ाई है। तो यहाँ पर अटैचमेंट्स के यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं, तो ये चाहता है आपसे अब दोबारा अपनी ज़िंदगी अटैच हो जाए, आप दोनों दोबारा से एक हो जाओ इस तरह, ठीक है। कोई आपकी याद में कोई स्पेशल सॉन्ग है वो सुनते हैं, या ये इनका ताल्लुक किसी संबंध हो सकता है किसी म्यूज़िक डिपार्टमेंट से। इनकी तरफ से मैसेज है कि यू आर माई अदर हाफ, तो मेरी अदर हाफ हो, राइट। एंड 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ, मई का महीना, तो वी विल ऑल्सो सी नेम इनिशियल्स ए एल एन एक्स, कैन बी योर एक्स, एंड डिपेंड आप पे करता है, आपने चांस देना है कि नहीं उसको, बट बताना तो मेरी ड्यूटी है आपको। आई एम यू पी, यूपी से हो सकते हैं, हो सकता है ये, अगेन ए ई टी टी, अच्छा आई है ये, टी है, डब्ल्यू फाइनल, हमें आखिरी नेम इनिशियल लेंगे एच, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखना जब तक, टेक केयर, बाय बाय। सो हेलो माय लव, पाइल नंबर 2, ये वाले आपके जोडियक साइंस हैं। आए देखते हैं, हु सीक्रेटली वॉन्ट्स टू मैरी यू। गाइज अब चार्म्स हैं एंड में, ठीक है, और लव मैसेजेस हैं कुछ आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स चेक आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन है, हु इज़ दिस पर्सन हु सीक्रेटली वॉन्ट्स टू मैरी यू। नाइट ऑफ फायर, रिलीज एम्परर, ओके, फॉर माई लव पाइल नंबर 2, 7 of air, ace of air, justice, हाई प्रेस्टस। पाइल नंबर 2 कौन है ये, आपसे सीक्रेटली शादी करना चाहता है। एस ऑफ अर्थ,
फायर बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है. आई मीन इमेच्योर आई से मेरा मतलब है कि न्यू न्यू एनर्जी है, नई नई एनर्जी है. और आई थिंक आप में से कुछ लोग तो ऐसे हो आप इनको जानते भी नहीं हो, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग. वैसे एनर्जी न्यू लव की एनर्जी है. आई थिंक कोई रिसेंटली आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, या आप रिसेंटली किसी को मिले हो. तो ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए और लाइक दिस एनर्जी इज़ अराउंड यू. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप किसी को ऐसे को नहीं जानते, आप बिल्कुल सिंगल हो और आपको नहीं पता कि ये कौन है, या आपको ऐसे लगता है कि नोबडी इज़ इन टू मी, मेरे साथ इससे मोहब्बत करनी है ये वो, इट्स नॉट लाइक दैट. एनर्जी है आपके आसपास और ये बिल्कुल न्यू एनर्जी है और बड़ी यंग एनर्जी है, राइट? तो जस्ट टेक इट एज इफ मैं आपको बता रही हूँ. ये पर्सन नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है. नाइट बिकॉज नाइट इज़ कन्वर्टिंग इनटू एम्परर आफ्टर अ रिलीज कार्ड. आई मीन एक तो आई थिंक आप इसको छोड़ दोगे या रिजेक्ट कर दोगे इसका प्रपोजल, ठीक है, क्योंकि एक तो इनकी उम्र इतनी नहीं है, एज इतनी नहीं होगी, या आपको लगेगा कि अभी मुझे और वक्त चाहिए, मैं ऐसे नहीं शादी का फैसला कर सकती, मैं मेरी लाइफ है क्या, मजाक नहीं है, मैं आई कांट डिसाइड लाइक दैट, मेरे को जल्दी डाल के, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी डाल रहा है आपको या डालेगा. यू विल बी लाइक नो आई कांट डू दैट, आई कांट डू लाइक दैट, मैं कैसे कर लूँ अपना जल्दी जल्दी शादी और शादी का फैसला. आप यू विल लिटरली डंप हिम, ठीक है गाइज. ये एनर्जी प्रेजेंट भी हो सकती है, आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है, तो डोंट कन्फ्यूज दिस थिंग. क्योंकि मुझको एनर्जी बहुत नहीं है, आपने इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है आप दोनों को जाने हुए, लेकिन कुछ लोग तो जानते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ ईयर है, एक न्यू कम्युनिकेशन भी इनकी तरफ से आ सकती है, एस ऑफ अर्थ भी है. आई थिंक यू मेट दैम एट वर्क प्लेस, जहाँ पर काम करने जाते हो या पढ़ने जाते हो. यहाँ पर कोई लॉ फील्ड में काम करता है या पढ़ता है लॉ, लॉ, ठीक है, तो लॉ में या आप वो कर रहे हैं आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर गवर्नमेंट पोस्ट, पुलिस, ये सब चीज़ें, या एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रहे हो. तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको कि ये पर्सन वहीं पर मिलेंगे या किसी ऐसी ही फील्ड में, कोई आपको पसंद करता हुआ क्लास फेलो, कोई स्टडी फेलो, ठीक है. तो गाइस ये पर्सन अभी इतना नहीं है वेल ऑफ फाइनेंशियली कह लो या एनर्जी में कह लो, लेकिन ये इंसान को आप डंप कर दोगे, छोड़ दोगे, लेकिन ये इंसान फिर दोबारा लौट के आएगा, ठीक है. ये भी हो सकता है ये सब आप कर चुके हुए हो, छोड़ चुके हुए हो किसी को, लेकिन ही इज़ कमिंग बैक विद इन न्यू एनर्जी, ठीक है. एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी और टू अ फायर. आई मीन एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया पार्टनरशिप है, इस पर्सन प्रपोजल है. तो प्लीज़ स्पिरिट गाइड मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो नया पर्सन इनकी लाइफ में आ रहा है या ये जो भी इनसे शादी करना चाहता है, क्या ये मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको जानते हैं? यहाँ इस कार्ड में ये इंडिकेशन है कि आप या तो अभी इनको नहीं जानते हो, और अगर जानते हो तो आपका इनसे बहुत झगड़ा होता है, आप इनसे तंग हो बहुत और आप इनको छोड़ना चाहते हो. और ये कैन दे दिस पर्सन इज़ लिटरली ऑब्सेसिंग ओवर यू, को एम्परर एनर्जी है, इज़ लाइक नो शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं तो मैंने भी नहीं करनी, इज़ जस्ट लाइक दैट. क्या इनको जानते हैं? रिन्यूअल गाइस. हो सकता है एक्स हो आपका जो कि रिन्यू चाहता है, रिन्यूअल चाहता है रिश्ते में, बट स्टिल आई विल गो फॉर मोर. क्या आप इनको जानते हैं? फाइव वाटर केन सेम एनर्जी है पाइल टू आपके लिए. कोई आपके पास्ट लवर है ये जो आप किससे दोबारा आकर के शादी करना चाहता है, या
ये बहुत रोता है आपके पीछे, लिटरली ही लिटरली वीप्स एंड सो मच क्राइंग, टीयर्स, आंसू, लड़ाई झगड़े, पागल आशिक है आपका। आपको इंडिकेशंस और बताऊंगी मैं, ठीक है। थ्री ऑफ अर्थ, ये बहुत कुछ करना चाहता है आपके लिए, कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा इस लड़की को पाने के लिए, इज़ लिटरली मैड फॉर यू। ये आपके फ्यूचर में एनर्जी भी ये आ सकती है, मतलब हो सकता है आपको ये फ्यूचर में पर्सन मिले, या आप जानते हो इसको। आपके इतना ज़्यादा बॉन्ड अच्छा नहीं है आपस में एक दूसरे से, मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत करते हो, या आप इनसे तंग हो इनकी ऑब्सेसिवनेस से, या जो कमिटमेंट नहीं देते ये, इस वजह से आप परेशान हो इनकी। आपने इनको छोड़ दिया था, आपने जहन से ख्याल निकाल दिया था। लेट मी चेक आउट, मैन ही इज़ रीचिंग आउट, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ करना है इनको अभी। पाइल नंबर टू, क्वार्टर मून, अभी लेट मी चेक आउट मोर एनर्जी। कब तक वर्क थ्रू योर फियर्स, स्कॉर्पियो सीजन, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अक्वेरियस। गाइस ठहरे, मेरी बात सुनो। ये पर्सन को डर भी लगता है आपसे, ठीक है, लेकिन ये बहुत शेर दिल इंसान है, इज़ लाइक वेरी ब्रेव। तो ये ना इतना पागल है ऐसे आपके पीछे, कि इसको डर भी लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे इनको, और इनको ये भी पता है कि मेरे में कमियां हैं, इस वजह से आप इनको पसंद नहीं करते या बात नहीं मानोगे इनकी, ठीक है। लेकिन ही इज़ रेडी टू ट्रांसफॉर्म फॉर यू, क्योंकि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड है। तो वो आपको वक्त भी देना चाहते हैं कि आप और भी सोच लो, ठीक है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी को आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इनका कोई फाइनेंशियल मसला है, आपके घर वालों को इस वजह से एतराज़ है कि ये फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, स्टिल ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग रियली वेरी वेल फॉर यू, बिकॉज ये चाहते हैं मैं दुनिया को दिखाऊं कि सच्ची मोहब्बत क्या है। ये बहुत ना ट्रू लवर है आपका, लेकिन थोड़ा ना नेगेटिव में इसलिए इसका इसलिए चला जाता है क्योंकि ये पागल दीवानों की तरह कुछ करता है आपके पीछे, और जो आपको या आपके फैमिली वालों को पसंद नहीं आता या आएगा, ठीक है। ऐसा है कोई तंग भी हो इनसे, या फ्यूचर एनर्जी है आपकी या आपके पर्सन की। लेट मी चेक आउट कि आप पहली बार इनको देखेंगे ना, किस कलर के कपड़े इन्होंने पहने होंगे। लेट मी चेक आउट, यहाँ पहने हुए थे ग्रे, ग्रे कलर के कपड़े थे, लाइट ग्रे, कुछ इस तरह के कपड़े थे, या एक प्लम कलर होता है ना, प्लम कलर की इनकी शर्ट थी। अगेन यहाँ पर ग्रे, डार्क ग्रे है, नेवी ब्लू इस टाइप की कलर आ रही है, डार्क पर्पल, वाइट, प्योर वाइट था इन्होंने कपड़े पहने, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं मिक्सचर। तो गाइस लिटरली यहाँ पर वैनिटी है, एक्सपांशन है, पीरियड स्वीट है, डेस्टिनी है। गाइस ये पर्सन डेस्टिनी खुद बनाने पर बिलीव करता है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। तो ऑफ़ कोर्स आप की, क्योंकि इनके पीछे पड़ जाने वाली नेचर की वजह से आप थोड़े से इनसे तंग हो, बट ही विल गेट यू इवेंचुअली, आपको पा लेगा, आपसे शादी ये कर लेगा, ठीक है। आपको थोड़ी इनके सेल्फ ऑब्सेशन से प्रॉब्लम है, आपको लगता है ये कुछ ज़्यादा ही सेल्फ़ ऑब्सेस्ड है, आपको लगता है कि मेरे पे इतना ध्यान इसका होता है, बट ही इज़ मोर इन टू कि मुझे क्योंकि ये चीज़ चाहिए तो इसलिए मुझे ये चीज़ लेनी है। कभी कभी इनकी बिल्कुल एक्सट्रीम पे जो हरकतें हैं ना, उसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा कि ठीक है मुझे पाना चाहता है, लेकिन आई थिंक इसकी अपनी ज़्यादा डिज़ायर्स हैं मुझे लेकर के, मतलब ये सेल्फिश है, आपको लगेगा। लाजमी नहीं है ऐसा हो, ऐसा है नहीं, इसका ना और सिस्टम है, इसको बात नहीं करनी आती, इसके दिल में कुछ और होता है और हो इनसे कुछ और जाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि करना कुछ और हो जाता है, हो कुछ और जाता है, तो ये वो हैं, दिल के ये बुरे नहीं हैं। आई थिंक ग्लासेस लगाते हैं बात करने का तरीका नहीं आता इनको। चले चाम से देख लेते हैं आपकी।
कुछ मैसेजेस आएंगे यहाँ पर भी, काफ़ी कुछ आएगा. लेट्स चेक अप फॉर, ओह माय गॉड, सो मच लव, पर्पल, स्पिरिचुअल कनेक्शन, दोस्ती, येलो, रोमांस की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, पिंक. वाओ, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं. फैमिली इशूज गाइस, पाइल नंबर टू. आई थिंक कोई फैमिली इशूज रहेगा आप दोनों के बीच में. किसी की फैमिली नहीं मानती, मुझे तो वैसे आपकी फैमिली लग रही है. हर्ट है बहुत ज़्यादा ये पर्सन. मिस यू, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, ये पागलों की तरह याद करते हैं. किस की एनर्जी है, आई थिंक ही विल किस यू, या ऐसे डे ड्रीम करते हैं एज इफ दे आर किसिंग यू. पाइसेस एनर्जी है, दे कैन बी हिट पाइसेस. 777 इज़ द लक एंजल नंबर, लाइक दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लकी फॉर यू. या ये लक का इंतज़ार कर रहे हैं, कब किस्मत खोले और ये आपकी ज़िंदगी में आए. जुलाई, आई मीन 7 नंबर, जुलाई इम्पोर्टेंट है यहाँ. वर्गो हो सकते हैं, वर्गो 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, या अगले 10 महीने इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे स्टार है, यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन. और ये किस्मत है, ठीक है, आपकी किस्मत है इनके साथ. थोड़ा सा लेट है गाइस, हैंगिंग है यहाँ पर, या इन्होंने आपको लेट बहुत कराया, इन्होंने ज़िंदगी में आपको इंतज़ार बहुत करवाया. दैट्स वाई यू आर नॉट इन टू इन हिम एनी मोर. 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, जुलाई अगली. ओके, ही जस्ट सी यू एज हिज क्वीन. ये क्राउन है, तो यहाँ पर फ्लावर है जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स को इंडिकेट कर रहा है. 5 नंबर माय बॉर्न, इनके लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं. लियो, लियो जी ग्लासेस पहनते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, मुझे नज़र आया था, लेकिन नॉट फॉर एवरीबॉडी. बहुत यादों में खोए हैं आपके, दे आर सो मच मिसिंग यू. मेमोरीज आपकी जो है ना, बहुत इनको याद आती है. सो यहाँ पर एरोप्लेन है, आई थिंक एब्रॉड में रहते हैं, या एब्रॉड से ताल्लुक है, कुछ भी हो सकता है. या आप लोग ट्रैवल बहुत करोगे इकट्ठे. इन्फिनिटी साइन, वाओ गाइस, दिस पर्सन लिटरली लव्स यू इनफाइनाइटली. रोमांस है इधर, मोहब्बत, लिटरली दे लव यू. अगेन यहाँ पर दो मून हैं, टू मून्स विद थ्री स्टार्स इन दैम. गाइज, कैन सी हियर कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनके साथ आपका रन एंड चेज लगा हुआ है. मेड फॉर ईच अदर, यू सी हियर, मैंने ऐसे मून रखे हैं, दे आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के अंदर ऐसे. यू सी दिस, वाओ, आप दोनों का केमिस्ट्री भी बहुत है, बेशक आप भागते हो ना एक दूसरे से, केमिस्ट्री बहुत है. आई जस्ट सॉ दैट. ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे संभाल लिया एक दूसरे को आप दोनों ने. सो लविंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट पार्ट टू. जी यहाँ पे म्यूज़िक है, आपकी याद में कुछ स्पेशल गाने हैं पसंद के, वो सुनते रहते हैं. कैंसर, यहाँ पे मेकअप पैलेट है गाइस. एक तो ये तो आपकी ज़िंदगी जो है ना, ऐसे रंगों से भर देगा ये पर्सन, ठीक है. दूसरा ये है कि इसको पसंद है आपके ऊपर मेकअप करो, आप फैशन करो, ये सब चीज़ें, लाइक लिटरली कलरफुल लाइफ है यहाँ, ठीक है. एंड पागलों की तरह अटैच है ये पर्सन आपके साथ, आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहता है, चाहे अब जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है. लेट मी चेक आउट हिज नेम इनिशियल्स. बी यू, सी एल, यहाँ पे कोई LGBTQ कम्युनिटी से हैं. ओके, एन पी, सो एन पी नो प्रॉब्लम आई थिंक.
कुछ प्रॉब्लम थी जो कि शायद सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है मुझे. एस ए एच ई ये है बिजी एक्स हो सकता है आपका एक्स हो. नो बट नॉट फॉर एवरीबडी. एक्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपका आपको ज़्यादा पता है कि आपने चांस देना है कि नहीं दूसरा. ओके क्योंकि आपको पता कि ये मैनिपुलेटिव है कि नहीं. कभी मैनिपुलेटिव एक्स को चांस मत दो. वी के जे ठीक हो गया. फाइल नंबर 2. दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखना. बाय बाय.